नमस्ते और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप दोनों की एनर्जी चेक करने वाली हूँ। क्या रहने वाली है आप दोनों की एनर्जी और कौन से कार्ड मिल रहे हैं इस वक्त आप लोगों के लिए। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इस वीडियो पे आए हैं, तो आपके साथ ये रीडिंग मैच कर सकती है। अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन हैं और ट्विन फ्लेम से जो है अभी आप अपने पार्टनर से नहीं मिले हैं, तब भी ये रीडिंग आपके साथ मैच कर सकती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर के कार्ड क्या मिल रहे हैं इस वक्त आपकी तरफ। टेम्परेंस, एस ऑफ वैंड्स, बस जब जिस टाइम आप रीडिंग देखते हैं उस टाइम अपने पार्टनर का ही ध्यान कीजिए। सभी के साथ मैच नहीं होगी, उनके साथ मैच होगी जिनके पार्टनर किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कार्मिक रिश्ते में हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे यही एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर, आप जानते हैं कि आपका पार्टनर किधर बात कर रहा है, किधर जाता है, क्या कर रहा है, आपको सब पता है इस बारे में, और आप हैं कि अपनी सच्चाई जो है उस इंसान को बता नहीं पा रहे हैं। तो ये रीडिंग आप देख सकते हैं, आपके साथ मैच कर सकती है, क्योंकि पहला कार्ड मुझे टेम्परेंस का मिला है और सिक्स ऑफ वैंस का कार्ड लास्ट में मिला है। ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। विंग और येन का कार्ड ये भी है जो कि चैरियट की एनर्जी है। बहुत कुछ पीछे छोड़ के आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के साथ इस वक्त इन्वॉल्व हैं, वो कुछ नहीं देख रहे हैं इस वक्त जो है। इस वक्त उन्होंने उनके अंदर जो नेगेटिविटी है या नेगेटिव इंसान है कोई, बस उसी तरफ ध्यान है उनका और वो इस वक्त कुछ और सोच विचार नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा पहला कार्ड तो ये बता रहा है। दूसरा, अगर मैं आपके पार्टनर की बात देखूं, इस टाइम आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा हीलिंग एनर्जी में हैं, अपने आप को हील कर चुके हैं, ये मैं देख पा रही हूँ, और किसी औरत के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं या उसके बताए हुए रास्ते को ही वो फॉलो कर रहे हैं। ये कार्मिक हो सकती है, थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी की वाइफ हो सकती है, जिनके रास्ते पे आपके पार्टनर चल रहे हैं इस वक्त। जैसा कोई कह देता है वो उसी के कहने का इस वक्त जो है, कहते हैं ना कि बस आनंद ही बहुत आ रहा है उस इंसान को जो भी वो बात कह रही है, उसी से उनको उसी चीज़ से हीलिंग मिल रही है इस टाइम की एनर्जी है। और पेज ऑफ वैंस की एनर्जी है। आपके पार्टनर का पूरा फोकस जो है घूमने में, फिरने में, नए दोस्त बनाने में, नए तरीके के लोगों के साथ जुड़ना, ये वाली एनर्जी में इस वक्त मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर को। और ये इंसान सोच रहा है कि यही सब कुछ सच है, यही दुनिया है, यही ज़िंदगी है, इसी में इसको रहना है, और ये सब कुछ एक एस ऑफ वैंस की एनर्जी में मिला है। देखिए, भगवान उनको खुद ऐसे लोगों से मिला रहा है जिससे वो सबक सीख पाएँ, ये वाली एनर्जी तो मुझे यहाँ पे दिखाई दी है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, वो ऐसे लोगों से भगवान यूनिवर्स उनको मिला रहा है कि वो कुछ सबक सीख पाए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसी ने वाइट कपड़े पहने हुए हैं और तो किसी ने रेड पहने हुए हैं, लेकिन वाइट के एनर्जी यहाँ पे भी है। जिसने एक ये पजामा डाला हुआ है वो भी सफ़ेद कलर का। ठीक है, इस इंसान के मैच का कोई इंसान नहीं है जिनके साथ ये इंसान अभी है। ठीक है, ये बहुत ही जल्दी इनसे लेसन सीखेगा, इनसे सबक सीखेगा, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ऐसा नहीं है, और फिर ये इंसान इन लोगों से बाहर हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो इसकी एनर्जी के मैच के हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, उतने भी नहीं, थोड़े, और ये वहाँ जाना नहीं चाहता, फिर भी ना चाहते हुए भी ये इंसान उनके साथ जुड़ा हुआ है। इस तरह की एनर्जी है इसकी। और ये इंसान सोच रहा है कि मुझे सब कुछ मिल गया है इनके साथ रह के, अब मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी और की, ये वाली एनर्जी। जैसे कि मैंने कहा, ये हर किसी के साथ मैच नहीं होगी, उनके साथ ही मैच होगी जिनके पार्टनर इस तरह से कर रहे हैं, और आप सबको पता है, तब भी जो है आप अपने पार्टनर को कहते हुए भी हैं, तब भी आपका पार्टनर आपकी सुनता नहीं है, सिर्फ वही करता है जो उसको अच्छा लगता है, जो उसको पसंद है, वही ये इंसान करता है। और ये इंसान टेंशन में भी है ये सब कुछ करते हुए भी। ये इंसान सोच रहा है ये ज़िंदगी में और कितने लोगों से मिलेगा,
और कितने लोग इसके जीवन में वापस आ रहे हैं, तरह तरह के लोग इसने देख लिए हैं, तरह तरह के जो ये लेसन सीख चुका है ये इंसान, लेकिन भगवान फिर से कहीं ना कहीं वैसे ही लोग इसके जीवन में आते रहते हैं, कुछ लोगों से मिल चुका है, कुछ और आ रहे हैं नए नए लोग। ये इंसान टेंशन में भी है इस वक्त, परेशान भी है ये, शायद इन दिनों अपनी बातें किसी को बताता ना हो, ठीक है, किसी से बात ना करता हो, दिमाग में बहुत भार रहता हो, दिल बहुत भारी रहता हो इस इंसान का, या ये इंसान कहीं जाने का मन ना करता हो, एक बहम एक इल्यूज़न इसके अंदर रहता है। ये वाली एनर्जी भी निकल के आई है आपके पार्टनर की, करंट फीलिंग ये है। और मून का कार्ड है, देख लेते हैं कि आपकी तरफ कौन से कार्ड आ रहे हैं, फिर हम देखेंगे ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। आपकी तरफ आ रहे हैं, देखिए आपकी एनर्जी भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं आई है, तो ज़्यादा बुरी भी नहीं आई है, ठीक है। ये आपके कार्ड हैं हर्मिट, आप अपना काम ठीक कर रहे हो, आपको जो साथ चाहिए, जो लाइट आपने पकड़ रखी है, वो आपको सही दिशा में लेके जाएगी एक दिन, ठीक है, आपको सही दिशा में लेके जाएगी। आपको समझ है उस बात की, आपको नॉलेज बहुत आ गई है इन दिनों, ठीक है। आपके आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जाग रही है इस वक्त, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही है आपकी, उधर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तो बिगड़ रही है, आपकी बढ़ रही है। काम आप अच्छे से, आप देखेंगे अपने घर में आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, घर की साफ़ सफाई आप बहुत ज़्यादा करेंगे, कूड़ा करकट सब बाहर निकाल के फेंक देंगे। ये वाली एनर्जी आई है डिवाइन फेमिनिन की, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान रहने वाले हैं आप, ऐसी एनर्जी आई है। द डेविल कार्ड, आपको कहीं ना कहीं ये भी लग सकता है कि आपको किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है, ब्लैक मैजिक तो नहीं कर दिया है, जो कि आप इतने सारे काम जो है आपके पड़े हैं पेंडिंग, आप उनको नहीं कर पा रहे हैं, कहीं आप क्यों कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं कर रहा, किसी ने आपको नेगेटिविटी से बांध तो नहीं दिया है। ये एनर्जी कहीं ना कहीं रह सकती है आप लोगों की, और आप परेशान इस वजह से थोड़ा सा रह सकते हैं, बाकी काम आप पूरा करेंगे, और आपकी एनर्जी और क्या रह सकती है। कहीं जाने के बारे में आप सोच रहे हैं तो जाएंगे आप ज़रूर, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत ही प्यारी है, अगर आपको काफ़ी दिन से बिजनेस में फ़ायदा नहीं हुआ है, या आपके पास कहीं से पैसा नहीं आया है, आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, वो भी वापस आने के बहुत ज़्यादा चांस है। डिवाइन फेमिनिन आपको इस वक्त, आपको कहते हैं ना कि भगवान की ब्लेसिंग मिल रही है पूरी पूरी, इस वक्त आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर रही हैं। ये वाली एनर्जी निकल के आई है, जो आप भगवान से यूनिवर्स से चाह रही हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कर रही हैं, मुझे लग रहा है प्रैक्टिस कर रही हैं आप उसमें उन चीज़ों की, तो वो चीज़ आप हासिल कर रही हैं, इस वक्त की एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग में निकल के आया है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये देख लेते हैं उनके विचार आपके लिए क्या हैं इस वक्त आपके बारे में। ये इंसान जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके बारे में क्या सोचते हैं, देखिए सोचते तो बहुत कुछ हैं, कहीं पे भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सोचते तो हैं वो, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ हैं, चाहे वो कार्मिक के साथ हैं, चाहे वो मैरिड लाइफ में हैं, दिन रात सोच रहे हैं दिन रात आपके बारे में। इधर आपकी भी एनर्जी आई है निकल के, ये इंसान आपको ही देख रहा है, आप बहुत ही प्योर सोल हैं, ऐसा ये इंसान आपके बारे में सोचता है। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस रिश्ते को पाने के लिए, ऐसा आपका पार्टनर सोचता है। इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, तभी 9 नंबर का कार्ड आया है, और ये इंसान बहुत अच्छे से जानता है कि इस इंसान ने आपको कभी भी क्लैरिटी नहीं दी, और ये इंसान देना चाहता है आपको वो सॉलिड कमिटमेंट, वो एक मजबूत वाला रिश्ता, जो ये इंसान दे नहीं पाता है, क्योंकि फंसा ही बहुत बुरे लोगों के साथ है ये। बहुत कहते हैं ना कि जब तक ये अपने कर्मों को पूरा नहीं कर लेगा, तब तक फंसा ही रहेगा। इसका एक ही उपाय है, ठीक है, जो अपनी सांसों पे ध्यान देके इनर वर्क करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो लोग ही इन चीज़ों से छूट पाते हैं। वरना आप हो गए, मैं हो गई, या कोई भी हो गया, वो सब अपने अपने कर्म लिखवा के लेके आया है, और इन्हीं में सब फंसे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप भी निकल नहीं पा रहे हैं, कोई भी आ गया इसमें, हम सब आ गए, ठीक है ना। पशु पक्षी जानवर आप देख रहे हैं, सब अपने अपने कर्मों को
जो है पूरा करने के लिए आए हैं, तो वही इस इंसान की एनर्जी है। ये चाहता है, चाहता भी है आपको, लेकिन ये आ नहीं सकता बाहर, क्योंकि आप इनर वर्क कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, कोई ना कोई तरीके से आप जुड़े हुए हैं इनर वर्क से, तब भी आपके लिए पुजारण का कार्ड बार बार आता है, हाई प्रेस्टेज का कार्ड आता है। ये इंसान आपके बारे में सोचता है कि आपने और इस इंसान ने, दोनों ने ही बहुत मेहनत की है इस रिलेशनशिप में, और ये रिलेशनशिप जो है ना तो आपका बनाया हुआ है ना इस इंसान का बनाया हुआ है, जो कि भगवान ने एक दूसरे को दिया था, और शायद इस इंसान से संभाला नहीं गया और आपने इस रिलेशनशिप की काफ़ी कदर की है, ऐसा ये कार्ड यहाँ पे निकल के आए हैं। ये एनर्जी आप लोगों की निकल के आई है, तो ये आपके पार्टनर की और आपकी करंट फीलिंग थी, वो आपके लिए ये सोच रहे हैं। और मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को देखिए, शेयर नहीं करते आप शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगर आप करंट फीलिंग पे रीडिंग लेना चाहते हो या वैसे भी ट्विन फ्लेम कोचिंग लेना चाहते हो, तो 8570874449 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, रीडिंग के चार्ज जान सकते हो। मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।